जब पहली बार सन 1608 में हैंस लिपर्सी ने टेलीस्कोप की रचना की थी, तब से मनुष्यों की ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई और हम ब्रह्मांड के एक अंतहीन खोज में निकल पड़े। टेलीस्कोप के निरंतर विकास ने हमें ब्रह्मांड में और अधिक दूरी तक देख पाने में सक्षम बनाया। आज हम स्पेस टेलीस्कोप तक पहुँच गए हैं। स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड में कई मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी तक देख सकते हैं। वर्तमान समय की सबसे आधुनिक स्पेस टेलीस्कोप में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के मदद से हम ब्रह्मांड में करीब 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक देख पाए हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रकाश को भी सफ़र करने में समय लगता है, इसलिए हम जितनी दूर मौजूद गैलेक्सीज को देखते हैं, हम उसके उतने ही पुराने इमेज को देख रहे होते हैं। यानी कि हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड के करीब 13.4 अरब वर्ष पुरानी स्थिति को देख सकते हैं। हमने ब्रह्मांड के लगभग अनेक प्रश्नों के हल ढूंढ लिए हैं, जैसे कि स्टार्स की रचना कैसे होती है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी है जिसका हल खगोलविद आज भी नहीं ढूंढ पाए हैं। ये सवाल है कि गैलेक्सीज की रचना कैसे हुई थी या फिर वे कहाँ से आए थे। हमने सैद्धांतिक तौर पर यह साबित कर लिया है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था, जो आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। लेकिन उस समय से लेकर वर्तमान के समय के बीच में गैलेक्सीज की रचना कहाँ से हुई और कैसे शुरू हुई, ये हमें पता नहीं है और ना ही वैज्ञानिक इसे सैद्धांतिक तौर पर साबित कर पाने में सक्षम हुए हैं। परंतु फिर भी वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज के जन्म के बारे में दो थ्योरीज दी हैं। पहला, द टॉप डाउन थ्योरी। इस थ्योरी को सन 1962 में पॉली नेगन, डोनाल्ड लिंडनबेल और एलन सैंडेज ने सामने रखा था। इस थ्योरी के अनुसार गैलेक्सीज का फॉर्मेशन एक बहुत बड़े गैस क्लाउड से हुआ था। यानी गैलेक्सीज के बनने से पहले ब्रह्मांड में बहुत बड़ा गैस का बादल था जो चारों तरफ फैला हुआ था और इनमें बहुत अधिक मात्रा में डार्क मैटर मौजूद थी। डार्क मैटर के फोर्स की वजह से ये गैस के बादल छोटे छोटे क्लम्प्स यानी गुच्छों में बढ़ गए और ग्रेविटेशन पुल के कारण ये क्लम्प्स एक दूसरे में विलीन होने लगे और काफ़ी डेंस हो गए। अंततः इनके सेंटर्स में ग्रेविटी का पुल इतना बढ़ गया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया शुरू हो गई और स्टार्स का फॉर्मेशन होने लगा। कई सारे नए स्टार्स का जन्म हुआ और अब ये स्टार्स ग्रेविटी के कारण नज़दीक आ गए और स्टार क्लस्टर्स यानी तारों के समूह की रचना की। इस प्रकार कई स्टार क्लस्टर्स आपस में मिल गए और अपने केंद्र के चक्कर लगानी शुरू कर दी और इसी प्रकार गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। तो इस थ्योरी के अनुसार हमने जाना कि गैलेक्सीज का निर्माण एक बहुत बड़े गैस क्लाउड के टूटकर बंटने की वजह से हुई थी। यह सिद्धांत काफ़ी सरल लगता है, लेकिन फिर भी इसे अब तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी थ्योरी है बॉटम अप थ्योरी। यह सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार गैलेक्सीज का निर्माण एक बहुत बड़े गैस क्लाउड के छोटे छोटे कई भागों में टूटने से नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि गैलेक्सीज के बनने से पहले ब्रह्मांड में मैटर छोटे छोटे क्लम्प्स यानी गुच्छों के रूप में मौजूद थे और इसके बाद डार्क मैटर के प्रभाव के कारण ये क्लम्प्स आपस में विलीन होने लगे और बड़े बड़े गैलेक्सीज की रचना की और फिर इसी प्रकार कई गैलेक्सीज एक दूसरे के नज़दीक आकर गैलेक्टिक क्लस्टर्स की रचना की। यह थ्योरी काफ़ी हद तक प्रभावशाली लगता है, परंतु फिर भी इस थ्योरी को भी स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस थ्योरी से भी हमें पूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है। हम ये तो जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के होने से हुई थी और वर्तमान में ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इन गैलेक्सीज की रचना कहाँ से शुरू हुई थी ये हम आज भी नहीं जानते हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि 13.7 अरब वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक यहीं कहीं बीच में इन गैलेक्सीज की रचना शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। तो आपको गैलेक्सी के फॉर्मेशन की कौन सी थ्योरी सही लगी और क्यों, ये हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम सुनना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।